हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। सो गाइज़, हमने हमारा बेस काफ़ी अपग्रेड कर लिया है। हमने हमारे जितने भी डिफेंसेस हैं उनको एक एक लेवल बढ़ा लिया है। अब सिर्फ इनको एक एक लेवल और लेके जाना है। इसको आर्चर टावर को लेवल 10 पे लेके जाना है, विजर्ड टावर को लेवल 5 पे, कैनन को लेवल 10 पे और एयर डिफेंस को लेवल 6 पे, मोर्टार को भी लेवल 6 पे लेके जाना है। इनको लेवल 6 पे लेके जाना है, ये दो लेवल बचे हैं। हम हमारे किंग को भी 7 लेवल पे अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये भी अपग्रेड हो रहा है अपना सही। बाकी हमने वॉल्स भी काफ़ी अपग्रेड कर ली है, ये एक एक लेवल और जाएंगे लेवल 8 तक, और ये लेवल 6 पे इनको भी हम कर लेंगे। हमें अभी सीजन बैंक अच्छा मिल गया था, तो उसलिए हमने वॉल भी अपग्रेड कर ली और हमारे कुछ ट्रूप्स भी अपग्रेड कर लिए। हमने ट्रूप्स भी हमारे काफ़ी है, अभी अनलॉक काफ़ी है, तो इनको भी हम अपग्रेड करते रहेंगे। सो गाइज़, अभी हम यदि देखें हमारे बेस को फुल अपग्रेड करने में, हमें ये मान के चलिए आप 5-6 दिन और लगेंगे, और जब हमारे पूरे डिफेंस अपग्रेड हो जाएंगे फुल, तो उसके बाद हम 2 दिन स्पेशली सिर्फ रिसोर्सेज को देंगे, क्योंकि इनको भी हम लेवल 10-11 तक लेके जाएंगे, फिर इन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि फिर ये इतने ज़रूरी नहीं रह जाएंगे अपने लिए। तो अभी हमने कुछ अचीवमेंट्स हमारे कंप्लीट करें, उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि हमारा अभी मेन टारगेट हमारा 5th बिल्डर अनलॉक करना है। क्लैन कैसल हमने अपग्रेड कर लिया था लेवल 4 पे, इसे क्लेम कर लेते हैं। हमने 150 लाख क्लैन कैसल से कलेक्ट कर लिए, तो इसे हम क्लेम कर लेते हैं। फिर हमने एक स्पेशली, मैंने सिर्फ इसलिए ही अटैक करा था ताकि मैं एक्सबो को एक डिस्ट्रॉय कर सकूं, तो मेरे को ये 50 जेम्स मिल जाए। तो ये हो गया हमारा, हमने 50 स्टार्स कम्प्लीट कर लिए कैंपेन मैप पे, जो गॉब्लिन मैप है आपने उसमें। ठीक है, हमारा बिल्डर हॉल लेवल 5 पे अपग्रेड हो चुका है, बैटल मशीन हमने रीबिल्ड कर ली है, और हमारी कैनन कार्ट हमने अनलॉक कर ली थी बिल्डर बैरक्स में। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पर इतने ही हैं, तो हमारे 1750 हो गए, मतलब हमें 250 जेम्स और चाहिए और हम इसको मतलब हमारा 5th बिल्डर अनलॉक हो जाएगा। कुछ मैजिक आइटम सेल कर देते हैं जो ज़रूरी नहीं है। पावर पोशन अभी हमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इन्हें सेल कर देते हैं दोनों को। और ट्रेनिंग पोशन भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे भी सेल कर देते हैं, हम सभी सेल कर देते हैं। ठीक है, फिर हीरो पोशन नहीं ज़रूरत लगती हमें, क्योंकि हो जाता है हमारे काम, इन्हें सेल कर देते हैं हीरो पोशन को। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा। अभी हमारे पास रिसोर्स पोशन बचा है, ये ज़रूरत पड़ती रहती है हमको, रिसर्च पोशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अभी इन दोनों को सेल नहीं किया हमने। बाकी बुक ऑफ हीरोज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी और रून ऑफ गोल्ड भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 1830 होगा, 170 और चाहिए हमें। तो वैसे ट्राई करेंगे उसे कंप्लीट करने का। जैसे यहाँ पर अभी ऑब्स्टेकल्स काफ़ी सारे हैं, तो इनको हटाएंगे तो हमें 20 जेम्स तो मिल ही जाएंगे, तो 150 जेम्स और चाहिए, और हमारा मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम शायद अनलॉक कर लेंगे हमारा 5th बिल्डर। यहाँ पर अचीवमेंट्स पर देखें तो एक ये अचीवमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे क्लैन वॉर बैटल चालू होगा तो 50 यहाँ से मिल जाएंगे, फिर बचेंगे सिर्फ 100, तो वो 100 आई थिंक एक ये भी कंप्लीट हो जाएगा, बट 10 ही है तो इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये भी नहीं मिलेगा हमें कुछ ज़्यादा, ये भी नहीं है अपग्रेड बिल्डर, ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 100 और बचेंगे, तो देखिए ट्राई करते हैं। हाँ, 25 यहाँ से मिल जाएंगे हमें, ये 25 ये भी मिल जाएगा, तो 75 और बच रहा हमारा, तो 75 भी हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर यदि और कुछ लास्ट ऑप्शन मतलब और कुछ ऑप्शन नहीं मिला, तो फिर हम या तो बुक ऑफ हीरोज सेल कर देंगे या रून ऑफ गोल्ड सेल कर देंगे। आई थिंक रून ऑफ गोल्ड बेटर रहेगा सेल करना अभी, क्योंकि इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं हमको उसकी, अभी हमारे अपडेट्स छोटे हैं, तो हम रून ऑफ गोल्ड ही सेल कर देंगे, वो मिल जाते हैं हमें इजीली, मिल जाता है। अभी क्लैश गेम्स चलूँगे उसमें रून ऑफ गोल्ड हमें इजीली मिल जाएगा, तो हम रून ऑफ गोल्ड सेल कर देंगे यदि हमारा अगली वीडियो तक नहीं मिल पाया या अपग्रेड नहीं हो पाया तो। ठीक है, इस तो बेस में इतना ही अपडेट है, बिल्डर हॉल भी हमारा चल रहा है अपग्रेड, इसमें भी हमने धीरे धीरे अपग्रेड्स कर रहे हैं, हमारी बैटल मशीन बिल्ड कर ली है, ये हम मार्केट में ले आते हैं, इतना ही है।
चलिए गाइस ट्राई करते हैं हम जल्दी से जल्दी अपग्रेड करने का। गोल्ड पास हम ये सीज़न का आप बताइए कमेंट करके लेना चाहिए या नहीं, हमें हम ले सकते हैं। हम यहाँ से नहीं लेंगे इसे, हम सुपर सेल के स्टोर से लेंगे, वहाँ हमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा ये। आई थिंक 530 के अराउंड पड़ेगा, 60-70 रुपीज़ सस्ता पड़ेगा, तो हम वहाँ से लेंगे इसे, यहाँ से नहीं लेंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए हमें इसे लेना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।